नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे। आज फिर हाजिर हूं एक नए ब्लॉग के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 के साथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 26 अप्रैल से कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म्स 2 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और दो पालियों में अलग अलग आयोजित की जाएंगी। इस साल बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए लगभग सभी विषयों में दो परीक्षाओं के बीच अधिक अंतराल दिया है। इस बीच CBSE बोर्ड ने स्कूलों के साथ आंसर शीट के कलर कोड और परीक्षा की कोड और परीक्षा की तारीखें, शेड्यूल व अन्य जरूरी विवरण साझा किया है। CBSE ने पिछले साल घोषणा की थी कि 2022 के लिए बोर्ड परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं के लिए टर्म्स 1 की परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं, जबकि कक्षा 10 और 12वीं के लिए टर्म्स 2 की परीक्षाएं आने वाले मंगलवार से शुरू होंगी। परीक्षा के लिए बामुश्किल 3-4 दिन बचे हुए हैं, इसलिए छात्रों को अधिकतम अंक प्राप्त करने के बारे में चिंतित होना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव बताने जा रहे हैं। कई बार यह देखा गया है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान औसत छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए अपनी तैयारी पर भरोसा करें और अच्छा लिखें। इससे आपके बेहतर स्कोर करने में मदद मिलेगी। कभी भी अति आत्मविश्वासी न बने, बल्कि खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और इससे आपको सही उत्तर देने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे परीक्षाओं के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आप किसी भी दबाव और अपेक्षाओं के बहकावे में न आएं। अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना याद रखें, यह निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देगा। विकासोन्मुखी मानसिकता रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके अपना पाठ्यक्रम पूरा करने और बेहतर स्कोर करने में मदद मिलेगी। रिवीजन सभी विषयों के लिए जरूरी है। कई छात्रों के लिए रिवीजन जल्दबाजी में की गई गतिविधि लगती है और अन्य के लिए यह एक वैकल्पिक गतिविधि लगती है, लेकिन ऐसा करने से छात्र उन अनुभागों या भागों को देख सकते हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया है। परीक्षा के दिन दिए गए पढ़ने के समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते समय यह समझने का प्रयास करें कि प्रश्न आपसे क्या उत्तर देने की अपेक्षा करता है। ध्यान रखें कि सूचीबद्ध करना, वर्णन करना, तर्क करना, समझना या गिनना जैसे शब्दों को रेखांकित किया जाना चाहिए, ताकि छात्र यह याद न करे कि क्या करने की आवश्यकता है। छात्रों को पढ़ने का समय दिया जाता है ताकि वे उत्तर संरचना के बारे में सोचें और लिखने से पहले समय बर्बाद करने के बजाय प्रयास कैसे करें। जब आप प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें तो प्रश्न के वेटेज के अनुसार लिखें, न कि आवश्यकता पंक्तियों के अनुसार। ध्यान रखें कि कम अंक वाले वेटेज का मतलब कुछ शब्दों या एक दो पंक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लघु उत्तरीय प्रश्नों की अधिक व्याख्या न करें, क्योंकि इससे लंबे उत्तरों के लिए समय की कमी हो सकती है। परीक्षा में लिखने के बाद समय निकालें और पेपर सबमिट करने से पहले अपने उत्तरों को एक बार पढ़ लें। रिवीजन करते समय यह छात्रों को उत्तरों के बारे में अधिक आश्वस्त होने में मदद करता है और उन्हें मूर्खतापूर्ण गलतियों करने से भी बचाता है, जिन्हें तुरंत ठीक किया जा सकता है। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि अपनी लिखावट साफ और पढ़ने लायक रखें। जो लोग आपके पेपर को सही करने जा रहे हैं, उनके पास सीमित धैर्य और समय होगा, इसलिए उनके लिए चीज़ों को आसान बनाएं। साथ ही याद रखें कि साफ सुथरी और आसानी से समझ में आने वाली लिखावट आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।